बोकारो स्टील प्लांट में मजदूरों ने अपने सम्मानजनक वेतन समझौते की मांग को लेकर प्लांट का उत्पादन सुबह 6 बजे से 11:30 बजे तक ठप रखा। यह आंदोलन क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के नेतृत्व में शुरू हुआ था। मजदूरों ने संयंत्र के अंदर प्रबंधन के खिलाफ आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सेल के चेयरमैन सुमा मंडल मौके पर पहुंचे और आश्वासन देने के बाद ही मजदूरों ने आंदोलन स्थगित किया। वहीं सुमा मंडल ने कहा कि अप्रैल के अंत तक मजदूरों के लिए सम्मानजनक वेतन समझौता कर दिया जाएगा। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।